नमस्कार, डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगी संबोधित। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और विशिष्ट चिन्ह का करेंगी अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था 30% बढ़ी, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 90% बढ़ी। सतत विकास आगे भी जारी रहने का जताया भरोसा। उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा में बंगाल की खाड़ी पर बने दबाव से बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग का गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट। इजराइल और हमास के बीच 3 दिन का मानवीय संघर्ष विराम आज से होगा शुरू। गाजा में पोलियो बीमारी के फिर से फैलने के बाद सामूहिक टीकाकरण आज से हो रहा है शुरू। पेरिस पैरालंपिक में आज पुरुष शॉटपुट F40 फाइनल में रवि रोंगाली पेश करेंगे चुनौती। हाई जंप और तीरंदाजी में भी भारत की पदक की तलाश। वहीं बैडमिंटन, शूटिंग, रोइंग और एथलेटिक्स में भी खेले जाएंगे मुकाबले। और अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और विशिष्ट चिन्ह यानी इंसिग्निया का भी अनावरण करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामला प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श और चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सबसे बड़े अवसरों वाला देश है। उन्होंने देश में कारोबारी सुविधा सुधार, स्थिर नीतिगत व्यवस्था और उच्च वृद्धि दर का वादा भी किया है। कल दिल्ली में ईची वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में वैश्विक अर्थव्यवस्था 35% बढ़ी, जबकि इन सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 90% बढ़ी है। यह एक सतत विकास है जिसे भारत ने हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सतत विकास के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोगों को सुशासन प्रदान करना सरकार की प्रतिबद्धता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लोगों ने निरंतरता और स्थिरता के लिए मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के मतदाताओं ने 60 साल बाद किसी सरकार की हैट्रिक लगवाई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश और बेहद खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान असना धीरे धीरे कमजोर होकर कल तक उत्तर पश्चिम अरब सागर पर कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा से लगी बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव आज उत्तर पश्चिम में केंद्रित रहेगा। इधर सीमा सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस GRP ने त्रिपुरा में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में बांग्लादेश के 7 नागरिकों और 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। सीमा सुरक्षा बल के प्रवक्ता ने कहा कि त्रिपुरा के खोवाई जिले में रंगीचेरा सीमा पर एक महिला और एक बच्ची सहित 3 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया।
गिरफ्तार लोगों से मिली जानकारी के आधार पर उनके दो अन्य सहयोगियों को बागेचेरा गांव से दो अन्य बांग्लादेशी नागरिकों और एक दलाल को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य घटना में राजकीय रेलवे पुलिस ने शुक्रवार रात अगरतला रेलवे स्टेशन से एक महिला सहित दो रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया था। पिछले 3 महीनों में अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में आ रहे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इधर तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। आज से दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 39 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की दिल्ली खुदरा बिक्री कीमत आज 1691.50 रुपए है। गाजा में आज से पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। इसके लिए इजराइल और हमास 3 दिनों तक मानवीय संघर्ष विराम लागू करने पर सहमत हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीकाकरण अभियान की पूरी तैयारी कर ली है। अभियान के तहत गाजा में 6,40,000 बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन पोलियो पर नियंत्रण के लिए गाजा में 90% बच्चों को इसकी खुराक देने का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। गाजा में पिछले 25 वर्षों में पोलियो का पहला मामला सामने आया था। पोलियो से 10 महीने के एक बच्चे की मौत हुई थी। पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज भारतीय खिलाड़ियों की नजर शॉटपुट, हाई जंप और तीरंदाजी स्पर्धाओं में पदक जीतने पर होगी। रवि रोंगाले पुरुषों के शॉटपुट स्पर्धा के F40 वर्ग की फाइनल में मैदान पर उतरेंगे। वहीं ऊंची कूद प्रतियोगिता में निशात कुमार T47 वर्ग का फाइनल खेलेंगे। तीरंदाजी में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के कांस्य पदक मैच में राकेश कुमार पदक पर निशाना साधेंगे। इसके अलावा आज बैडमिंटन, शूटिंग, रोइंग और एथलेटिक्स में भी भारतीय एथलीट जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। इधर जर्मनी के हनोवर में बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने एक स्वर्ण, 2 रजत और एक कांस्य सहित कुल 4 पदक जीते हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनुया प्रसाद ने स्वर्ण जीता। अभिनव देशवाल ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत जीता। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देशवाल, शुभम वशिष्ठ और चेतन सपकाल की तिकड़ी ने रजत पदक हासिल किया। शुभम वशिष्ठ ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता में 16 देशों के 69 एथलीट भाग ले रहे हैं। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद मुद्गल को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।